नमस्कार साथियों, मैं रणवीर सिंह राठौड़ और आप सभी लोगों का हंसवाहिनी जीके क्लासेज में स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोगों ने किसान आंदोलन को पूरा कर लिया है, तो अब हम जो जिस विषय पर पहुंचे हैं, जो अपना बिंदु है, वो है साथियों जनजातीय आंदोलन। यानी राजस्थान के अंदर भी विभिन्न जनजातियाँ निवास करती है और उनकी भी बहुत सारी समस्याएँ उस समय रही होगी, तो उन समस्याओं से वो उन्होंने तंग आकर के यानी आंदोलन का रास्ता अपनाया। तो साथियों, कुछ आंदोलन बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो उनको हम लेते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये कक्षा भी आप लोगों की रहने वाली है। तो शुरू करते हैं सबसे पहले कि ऐसा क्या कारण था कि जनजातीय समाज के अंदर रोष व्याप्त हुआ और वो आंदोलन हुए, और सबसे पहले आंदोलन कहाँ पर हुआ, किस क्षेत्र में हुआ, क्या वो आंदोलन उसका दमन कर दिया गया, समाप्त हुआ कि नहीं हुआ, और एक साथियों हम भक्त आंदोलन के बारे में चर्चा यहाँ पर करेंगे। वैसे छोटे छोटे तीन आंदोलन, एक तो भक्त आंदोलन हो जाएगा, मीणा जनजाति आंदोलन हो जाएगा, और एक अपन लोग और भी करने वाले साथियों भूमट भील आंदोलन। ठीक, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं, देखिए क्या कारण था कि राजस्थान के अंदर जनजातीय आंदोलन हुआ। तो हमारा बिंदु है राजस्थान के अंदर जनजातीय आंदोलन। ठीक है, और सबसे पहले हम बात करेंगे आंदोलन के कारण की। साथियों, मैं आपको कई बार पहले भी बता चुका हूँ कि राजस्थान के यहाँ के राजाओं ने, यहाँ के शासकों ने क्या किया साथियों, अंग्रेजों के साथ 1803 से लेकर के 1803 वाली संधियां बहुत सारे लोगों ने कर ली थी, और 1800 अगर अपना 8 वाली संधियों की चर्चा करें तो वो भी हो गई थी। 1800 कुछ महत्वपूर्ण संधियां यहाँ पर भी हुई थी, और फिर अपन चर्चा करें तो लास्ट के अंदर 1800 जब 18 की संधियों की चर्चा करें यहाँ तक तो सब लोगों ने ना, वैसे तो 1823 तक भी मिलेगा, लेकिन मतलब बड़ी बड़ी संधियों का रूप मैंने आप लोगों को बताया है, तो यहाँ पर अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। तो अब अंग्रेज क्या कर रहे थे, यहाँ भारतीय समाज के अंदर कुछ प्रशासनिक सुधार, सांस्कृतिक सुधार करने की कोशिश कर रहे थे, और ये जो भील मतलब ये जो जनजातीय जो लोग हैं, आदिवासी जो लोग हैं, ये नहीं चाह रहे थे, ये बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि हमारे कोई रीति रिवाज, कोई है ना रहन सहन, कोई सामाजिक व्यवस्था उसके ऊपर क्या चोट पहुंचाई जाए। बस सीधी सीधी कारण यही थी, और कुछ बड़े 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 कारण जैसे बोलाई कर है, MBC की स्थापना है, यहाँ की महुआ शराब पर रोक लगाते। चलिए समय नष्ट न करते हुए सीधे बिंदु पर आते हैं। अंग्रेजों द्वारा देखो सबसे पहले देखिए आंदोलन के कारण क्या थे। रियासतों ने 1803 से 1818 की संधियां करने पर क्या हुआ, अंग्रेजों की अधीनता इन्होंने स्वीकार कर ली। अब क्या हुआ कि अंग्रेजों द्वारा यहाँ पर प्रशासनिक और सामाजिक सुधार के कार्य किए गए, और जनजातियों में क्या फैल गया, असंतोष फैल गया। इस कारण यहाँ पर साथियों क्या शुरू हुए, आंदोलन शुरू हुए। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए राज्य का प्रथम जनजातीय आंदोलन बहुत बार पूछा जाता है, आप लोग ध्यान रखना, 1820 के अंदर हुआ साथियों, और करने वाले थे मेरवाड़ा में आंदोलन हुआ, और मेर जनजाति के लोगों द्वारा किया गया। ठीक है, तो 1820 ईस्वी में मेरवाड़ा, अजमेर और मेर जनजाति के द्वारा किया गया राज्य का पहला जनजातीय आंदोलन पूछा जाएगा 1820, आप लोगों का क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। उसके बाद देखिए अपन चर्चा करते हैं कि मेवाड़ क्षेत्र में पहला जनजातीय आंदोलन किसके द्वारा किया गया, तो यहाँ पर यह किया गया साथियों किसके द्वारा, भीलों के द्वारा। किसके द्वारा किया गया, भीलों के द्वारा। 1823 ईस्वी में आंदोलन किया गया उदयपुर में, और इस आंदोलन के पीछे कारण क्या था, बोलाई कर, बहुत इंपॉर्टेंट है। कल मैंने आवियाना कर बताया था, गंग नहर के जो किसान थे सिख किसान, आवियाना यानी जल के ऊपर जो कर था, और यहाँ पर ये देखिए बोलाई कर है। बोलाई कर क्या होता है, रहा कर होता है, मतलब एक तरीके से टोल टैक्स। अब अपन चर्चा करते ना, तो ये लीजिए बोलाई कर, रहा कर के विरुद्ध जो आंदोलन हुआ कहाँ पर हुआ, भीलों द्वारा किया गया 1823 ईस्वी में उदयपुर में साथियों। ठीक है, मेवाड़ में भीलों द्वारा आंदोलन किया गया सर्वप्रथम, ये भी ध्यान रख लेना, ये लीजिए। अब देखिए आगे क्या होता है, भीलों में असंतोष के कारण, यानी भीलों के अंदर असंतोष के ऐसे कौन से कारण थे जिसके कारण भीलों को क्या है मजबूरन आंदोलन करने पड़े, है ना भीलों के। तो देखिए कुछ बड़े बड़े कारण मैंने यहाँ पर नोट कर दिए, जैसे बोलाई कर, बस बड़े नहीं सारे यही है। एक चीज मैं आप लोगों को, सभी विद्यार्थियों को आश्वासन करना चाहता हूँ, ये क्लास साथियों कम समय में जरूर होती है, लेकिन इससे बाहर कुछ भी नहीं है, है ना, मैटर उतना ही है। ठीक है, लेकिन कम समय में हो जाती है, आपका समय ज्यादा नष्ट नहीं होता। ठीक है, मैं पहले खर्च कर देता हूँ इसके ऊपर समय, आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो इतना विषय आप लोगों को मिल जाए बस ये बेहतर है। तो देखिए बोलाई कर है, जो अभी बात की थी रहा कर, जो 1823 में उदयपुर में आंदोलन हुआ, और उसके बाद देखिए समाज सुधार के कार्य, मैंने आप लोगों को कहा भील अपनी किसी भी रीति रिवाज, है ना, अपनी प्रथा, सामाजिक स्थिति में छेड़छाड़ पसंद नहीं करते थे। उसके बाद देखिए ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार, आपको पता है अंग्रेज भारत में आए थे, 1813 का जो चार्टर एक्ट था उसके तहत, है ना, ईसाई मिशनरी पर, है ना, इन्होंने क्या दिया था, जोर दिया था, अब उनके रीति रिवाजों का प्रसार करना।
तो ये एकड भी मैंने यहाँ पर लिख दिया याद करने के लिए। तो ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार भी भीड़ों में असंतोष का कारण था। महुआ निर्मित शराब, जिसे क्या कहते थे भी लोग, मावड़ी कहा करते थे, क्या कहते थे मावड़ी, ढारकना नाम भी लिख दिया है। इसके ऊपर है ना रोक लगा दी गई सरकार ने, इस कारण ये भील क्या इस चीज को पसंद नहीं करते थे। दजिया व चिमाता पर रोक, देखिए दजिया व चिमाता व वालरा है ना, जब अपन आदिवासियों की कृषियों की चर्चा कृषि की चर्चा करते हैं ना, झूमिंग है ना, ये झूमिंग कृषि के रूप है, तो इनके ऊपर क्या लगा दी थी रोक, क्योंकि इस पर पर्यावरण की हानि, इससे पर्यावरण की हानि होती है आप जानते हो। और उसके बाद देखिए 1841 में मेवाड़ भील कोर की स्थापना, बहुत अच्छा प्रश्न है, मैंने आपको कई बार बताया है, MBC की स्थापना, मेवाड़ भील कोर की स्थापना, जिसका जो मुख्यालय था साथियों खेरवाड़ा, कहाँ पर था खेरवाड़ा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक चीज ध्यान रख लेना, ये जो MBC है इसकी स्थापना, मेवाड़ भील कोर की स्थापना किस शासक के समय होती है, मेवाड़ के, आपको याद होगा सरदार सिंह, मैंने कहा था ना कौर किसकी पत्नी के आगे लगता है, सरदार की पत्नी के आगे लगता है, तो सरदार सिंह मेवाड़ वाले बीकानेर के सरदार सिंह भी है, जो एकमात्र शासक जो 1857 की क्रांति में राज्य से बाहर सेना ले गए थे पंजाब हरियाणा की तरफ, ठीक है, तो वो भी ध्यान रखना। और इधर मैंने आप लोगों को बता दिया 1841 में मेवाड़ भील कोर की स्थापना, भाई इससे भील कौन डर गए थे, इसलिए डर गए थे कि इसकी स्थापना ही इस उद्देश्य से हुई थी, इस उद्देश्य से भीलों पर नियंत्रण करने के लिए, भीलों पर नियंत्रण करने के लिए ही इसकी क्या की गई थी, स्थापना हुई थी, ठीक है। तो ये बात आप लोग याद कर लेना, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो मैंने आपको यहाँ पर साथ साथ में बता दी है। उसके बाद अगर अपन चर्चा करते हैं साथियों इस बिंदु पर, और देखिए महुआ वाली बात हो गई है, अब ले लीजिए किसको 1881 में भीलों द्वारा दौलतराम भंडारी के नेतृत्व में यहाँ पर क्या किया गया, आंदोलन किया गया, कब 1881 ईस्वी में, और लेकिन क्या होता है 1882 ईस्वी में कविराज श्यामलदास दधिवाड़िया, आप सब लोग जानते हो, बार बार हम वीर विनोद पुस्तक की चर्चा करते हैं उसी के लेखक, तो इसने क्या कर दिया भीलों से संधि की, और ये आंदोलन क्या हो गया साथियों समाप्त हो गया, ठीक है। तो आरंभिक जो मैंने ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें बताई आप लोगों को, अक्सर बहुत सारी जगह लोगों इस चीजों को मिस कर दिया जाता है। अब लीजिए साथियों एक बहुत अच्छा बिंदु आया है, भक्त आंदोलन, किसकी बात करेंगे अपन लोग, भगत आंदोलन की। सबसे पहले ये ध्यान रखना, इस भक्त आंदोलन के अंदर एक व्यक्ति होगा जो इसका नेतृत्व करेगा, उसका नाम है गोविंद गिरी। ये बहुत ही अच्छा फैक्टर, बार बार परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले अपन चर्चा करते हैं साथियों भगत आंदोलन की, ठीक है। भक्त आंदोलन आपसे पूछा जाएगा इसका समय क्या है, तो आपको समय बताना है 1883 से लेकर के 1913 ईस्वी, ठीक है, 1883 से लेकर 1913 ईस्वी तक, 1913 ईस्वी तक ये आंदोलन, एक तरीके से इसका आंदोलन का दमन कर दिया जाता है सरकार के द्वारा। तो देखिए समय 1883 से 1900 है ना, कब तक भाई 1913 एडी तक, याद रख लेना 1883 से 1913 एडी यानी ईस्वी, ठीक है। नेतृत्व कौन करता है साथियों, गुरु गोविंद गिरी आ सकता है, गोविंद गिरी आ सकता है, बात एक ही है, ठीक है। हाँ तो ये देखिए गुरु गोविंद सिंह अगर आ जाए तो ध्यान रखना गड़बड़ हो जाएगा, सिखों के गुरु आप सब लोग जानते हो, ठीक है, दसवीं गुरु है वो। तो ये देखिए इनका जन्म कब हुआ, 20 दिसंबर 1858 को हुआ, 20 दिसंबर 1858, 1857 की क्रांति के एक वर्ष बाद, ठीक है। तो ये लीजिए 1858 बेड़सा बासिया डूंगरपुर, वैसे बेड़सा और वैसे बासिया, ठीक है, एक ही बात है। और ये कहां पर साथियों, डूंगरपुर में इसका क्या हुआ, जन्म हुआ। तो इनसे संबंधित बेड़सा गांव आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट याद करना है। देखिए जाति, जाति से ये बंजारा थे, बहुत अच्छा प्रश्न है, रीति के अंदर भी आया हुआ प्रश्न है, पटवारी में भी आया हुआ प्रश्न है कि गोविंद गुरु की जाति क्या थी, तो ये बंजारा जाति से रिलेटेड। देखिए हम बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं लेकिन ये ध्यान नहीं देते, तो ये ध्यान रखना इनकी जाति क्या थी, बंजारा थी, और इनके गुरु का नाम था राजगिरी, ठीक है, जो कि बूंदी अखाड़े के थे, ठीक है, कहाँ के थे, बूंदी अखाड़ा के, कोई महत्वपूर्ण नहीं लेकिन फिर भी आपको याद रखना है। देखिए इन्होंने 10 नियम बनाए थे, और इस नियम 10 नियम बनाए तो इसलिए इनका संप्रदाय क्या हो गया, 10 नामी संप्रदाय, किससे संबंधित है, गोविंद गुरु से संबंधित है, गोविंद गिरी से संबंधित है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, गोविंद गिरी से। अब जैसे ही अपन चर्चा करेंगे साथियों किसकी, अगले बिंदु की, तो ये हमने चर्चा की है किसकी, गुरु गोविंद की बात कर ली है ना, सॉरी इसके गुरु के नाम राजगिरी की चर्चा हमने कर ली है, और भीलों में थोड़ी सी ये चीज रह गई, थोड़ी सी ध्यान रखना, भीलों में सामाजिक जागृति का आंदोलन, ठीक है, आंदोलन चलाया था इन्होंने, किन्होंने,
ना अपन अपन जिस व्यक्ति को पढ़ रहे हैं जिसका नाम क्या है साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट है, गुरु गोविंद गिरी। ठीक है, इन्होंने भीलों में सामाजिक जागृति का आंदोलन चलाया था। ठीक है, और इससे प्रभावित कौन कौन हुए, इससे प्रभावित हुए कौन कौन साथियों, भील और ग्रासिया भी प्रभावित हुए। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान दे लेना। और उसके बाद मैंने आपको ये तो बता दिया है, देखिए अब अगला बिंदु शुरू हो रहा है 1883। अब इनके सबसे इंपॉर्टेंट बात है 1883 ईस्वी बेड़सा, जो कि वहां पर इनका जन्म हुआ, डूंगरपुर में है, और संप सभा की स्थापना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज ध्यान रखना, संप शब्द का अर्थ आ जाए तो आप सब लोग जानते हो, वैसे हम तो जानते ही जानते हैं, संप का अर्थ होता है मेल जोल। संप का अर्थ क्या होता है? मेल जोल, ये बात ध्यान रखना। संप सभा, संप का अर्थ होता है मेल जोल। ठीक है, तो संप सभा की स्थापना की गई है। पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है कि संप सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो गोविंद गिरी के द्वारा की गई। और कब की गई? 1903 ईस्वी में संप सभा की स्थापना की गई। और मानगढ़ पहाड़ी पर धूणी की स्थापना भी इनके द्वारा की जाती है। मानगढ़ धूणी का मतलब है कि इनका अपना एक केंद्र, वैसे तो आप साधु संतों की धूणी जानते होंगे, लेकिन इनका एक केंद्र जहां से अपना सारा एजेंडा ना शुरू करते हो, जहां से सारी रणनीति अपनाते हो, जहां ये रहते हो। ठीक है, तो ये बात धूणी की स्थापना। इसके देखिए ये बात है 1903 की, मैं उसके ठीक बाद यानी इसी समय की बात कर लेता हूं। 1903 में क्या होता है, रियासत का इनके ऊपर क्या पड़ जाता है साथियों, बहुत ज्यादा दबाव होता है, इस कारण इन्हें बेड़सा छोड़ करके कहाँ जाना पड़ता है, बेड़सा छोड़ करके जाना पड़ता है इन्हें। फिर ये अपना ना एक तरीके से समय कहाँ व्यतीत करते हैं, इडर, सूंत और उकारेली नामक जो स्थान है वहां पर। बहुत ज्यादा कोई महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन फिर भी अगर ऐसा कोई प्रश्न आ जाए तो ध्यान रखना, इडर, सूंत, उकारेली में ही अपना क्या बिताते हैं, समय बिताते हैं। उसके बाद देखिए 1911, अभी अपन चर्चा की इनसे संबंधित, एक तो 1883 की, एक 1903 की और एक 1911 की, तीन की वही है दोनों साथ में। 1911 पुणे बेड़सा पहुंच गई, पुणे कहां पर पहुंच गए साथियों, बेड़सा पहुंचे। अब देखिए 17 नवंबर 1913 की बात है, 17 नवंबर 1913, जगह कहाँ है, मानगढ़ पहाड़ी, जगह कौन सी है भाई, मानगढ़ पहाड़ी, और ये मानगढ़ पहाड़ी पर क्या कर रहे हैं, अधिवेशन कर रहे हैं। ठीक है, एक चीज थोड़ा सा ध्यान रख लेना, संप सभा, थोड़ी सी मैंने 1903 की बात बताई आप लोगों को यहाँ पर, 1903 में है ना, थोड़ी सी एक इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को याद करनी है, थोड़ा सा हमने यहाँ पर एक मिस्टेक की है, उस मिस्टेक को थोड़ा दूर कर लेता हूँ। संप सभा की स्थापना 1883 में होती है, बेड़सा डूंगरपुर में संप सभा की स्थापना, थोड़ा सा इसको चेंजिंग कर लेना, यानी संप सभा की स्थापना डूंगरपुर में होती है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है बेड़सा में, और संप सभा की स्थापना 1883 में होती है। तो भाई 1903 की बात कर ली हमने, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, 1903 में क्या होता है, संप सभा का प्रथम अधिवेशन होता है, और वो अधिवेशन कहाँ पर होता है, मानगढ़ पहाड़ी पर होता है, और वहीं पर धूणी की स्थापना होती है, इसको याद कर लेना, और उसके आगे अगली चीज आप जोड़ लेना। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर मैंने ऊपर वाली चीज नीचे पढ़ ली, थोड़ा गौर कर लेना। और अब देखिए 1911 की चर्चा हम करते हैं साथियों, कि पुणे ये बेड़सा पहुंच जाते हैं, और फिर 17 नवंबर 1913 को मानगढ़ पहाड़ी स्थान है, यहाँ पर एक अधिवेशन होता है। ठीक है, मानगढ़ पहाड़ी, और ये जो अधिवेशन होता है ना, माघ पूर्णिमा के दिन होता है। कब होता है? माघ पूर्णिमा के दिन होता है। और इस अधिवेशन के ऊपर MBC यानी मेवाड़ भील कौर राजपूत, मतलब रियासत से संबंधित, और जाट कुछ लोग भी थे, और बेलेंजली के कहने पर हुआ था, इन लोगों के कहने पर भीलों को चारों तरफ से घेर करके कर्नल सटन, ठीक है, तो कर्नल सटन ने क्या कर दिया, गोलीबारी करवा दी, यहाँ पर क्या करवा दी, गोलीबारी करवा दी। 1500 भील मारे गए भाई, कितने भील मारे गए 1500 भील मारे गए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताई है। और साथियों 1500 भील मारे गए, उसके बाद क्या होता है, गोविंद गिरी को क्या कर लिया जाता है, गिरफ्तार। इसके कुछ सहयोगी भी होते हैं, जैसे यहाँ मैंने बताया डूंगर पटेल है, पुंजाधीर है, और सूरजी भगत है, इनको भी यहाँ पर क्या कर लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है। विशेषकर गोविंद गिरी को ध्यान रखना आप लोगों को, गिरफ्तार अहमदाबाद जेल के अंदर कहते हैं कि 10 वर्ष इन्हें रखा जाता है। और फिर 12 जुलाई 1923 ईस्वी को 10 वर्ष बाद, देखो गिरफ्तार कब किया गया, 13 में, 17 नवंबर 1913 को ये पढ़ा ना, ये अधिवेशन हो रहा होता है, आप लोगों को मैंने बता दिया, 1500 भी मारे गए हैं, और गिरफ्तार अहमदाबाद जेल में 10 वर्ष तक, और 12 जुलाई 1923 को रिहा कर दिया जाता है। ये अंतिम समय अपना कहाँ पर, कम्बोई नामक जो स्थान है साथियों, गुजरात का है, वहां पर बिताते हैं। 1931 ईस्वी में इनकी क्या हो जाती है, 30 अक्टूबर 1931 ईस्वी की क्या हो जाती है,
मृत्यु, तो ध्यान रखना इनका समाधि भी वहीं पर स्थित है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना, माँ ये जो मानगढ़ पहाड़ी है साथियों, मानगढ़ पहाड़ी यहाँ पर प्रतिवर्ष विशाल मेला लगता है। कब? एमपी, एमपी का मतलब हो गया माघ पूर्णिमा। कहाँ पर? ये मैंने आपको स्थान भी बता दिया, मानगढ़ पहाड़ी, तो यानी भीलों भील यहाँ पर बहुत ज्यादा इकट्ठे अब भी होते हैं। और यहाँ पर कितने भील मारे गए साथियों? 1500 भील मारे गए, तो ये एक और बड़ा नरसंहार था। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट बातें। अब देखिए साथियों, छोटी सी कक्षा में आप लोगों को बहुत कुछ चीजें बता दी गई है, इंपॉर्टेंट चीजें आप लोगों को याद करनी है। आंदोलन के कारण मैंने आप लोगों को पहले बता दिए थे संधियों से वो संबंधित, रटना कुछ भी नहीं है इन चीजों में, तो बस केवल एक बार वक्तव्य से सुन सकते हो आप लोग, ठीक है। और भक्त आंदोलन की चर्चा आप लोग यहाँ पर एक चीज ये थोड़ा ध्यान रखना, पहला है ना, पहला जनजातीय आंदोलन 1820 में, और इधर है ना मेवाड़ में प्रथम की चर्चा हमने की थी, तो ये भी 1823 के अंदर क्या है, बुलाई करके विरोध भीलों द्वारा किया गया। और इधर भक्त आंदोलन की चर्चा 1983 से 1913, तो 1983 में इनकी संप सभा की स्थापना हुई है, तो ये थोड़ा ध्यान रख लेना। और 1903 में संप सभा का प्रथम अधिवेशन, और 1911 में बेड़सा आते हैं, और 1913 में इनकी मानगढ़ जो मतलब पहाड़ी पर अधिवेशन होता है, यहाँ पर ये गोलीकांड होता है। तो ये था आपका आंदोलन साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण, ठीक है। तो ये था भक्त आंदोलन। अब मैं आप लोगों से क्या चाहूँगा, इजाजत, और अगले किसान आंदोलन, अगले जनजाति आंदोलन को मैं जल्दी ही लेकर आने वाला हूँ। तब तक साथियों आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए, ठीक है। और इन चीज़ों को नोट करते जाए, शॉर्ट नोट्स बनाते जाए फटाफट, क्योंकि ये आपका काम हो जाएगा साथियों। तो एक बार पुनः जय हिंद, जय भारत, जय हिंद की सेना साथियों।